के मैदान में हुई कंगना की हार। देर विल बी अ माइल्ड स्मॉल चेंज इन द टाइटल ऑफ द फिल्म। दीपिका ने तोड़ा कंगना का अहंकार। नाम निकाल दिया जाएगा अगर उसके टाइटल से, तो फिर वो फिल्म जिस चीज पे बेस्ड है वही निकल जाएगी। पूरा हुआ कंगना से दीपिका का बदला। We're doing nothing, I promise you. Everything is just falling into place. दीपिका पादुकोण और कंगना की जंग किसी से भी छिपी नहीं है। ये दोनों मौका मिलने पर कई बार एक दूसरे को नीचा दिखाती आई हैं। लेकिन कुछ लोग इतना जेलस हैं और मेरे खिलाफ इतना जैसे खबरें उड़ाना और हमेशा दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं, तो उसको लेके मुझे काफी दुख होता है कि जब किसी की खुशी से मुझे कोई वो नहीं पड़ता, तो आज मेरी खुशी से लोग इतने अफेक्ट क्यों हैं, यू नो। लेकिन अब तो इस कड़वाहट की हदें ही पार हो गई है। दीपिका अब अपना गुस्सा कंगना की फिल्मों पर निकाल रही है। आई थिंक इसके ऊपर जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, और जो होना था वो हो गया, जो होना था वो हो गया। कंगना रनौत अब तक पूरी दुनिया से अपनी आने वाली फिल्म मेंटल है क्या के टाइटल को बचाए रहने के लिए लड़ रही थी। लाइक आई सेड, अगर फिल्म के किरदार फिल्म में से मेंटल नाम निकाल दिया जाएगा अगर उसके टाइटल से, तो फिर वो फिल्म जिस चीज पे बेस्ड है वही निकल जाएगी। लेकिन फाइनली जीत दीपिका की हुई। जी हाँ, कंगना रनौत की आने वाली फिल्म मेंटल है क्या का टाइटल अब उनकी दुश्मन नंबर वन दीपिका पादुकोण की वजह से बदल चुका है। हाल ही में अपनी फिल्म मेंटल है क्या को सेंसर बोर्ड से पास कराने पहुंची कंगना को दीपिका ने तगड़ा झटका दिया है। Well, there will be a mild, small change in the title of the film because they find it a bit too harsh. दीपिका ने अपनी फाउंडेशन लिव लव लाफ के जरिए कंगना की इस फिल्म पर आपत्ति जताई थी और ये कहा था कि कंगना की फिल्म का टाइटल मानसिक रोगियों का अपमान कर रहा है। भारत में मानसिक रोग को वैसे ही गलत रूप में देखा जाता है, ऐसे में जरूरत है कि ऐसे विषयों को बड़ी सावधानी और गंभीरता से लिया जाए और जिम्मेदारी के साथ पेश किया जाए। कंगना ने भी दीपिका के वार पर पलटवार करते हुए दीपिका पर उनका नाम और फिल्में खराब करने का आरोप लगाया। अगर मैं इस तरह से प्रभावित हो जाऊं दूसरों के और मैं भी उस चक्कर में पड़ जाऊं कि चलो मैं भी इनका नाम खराब करती हूं या मैं भी इनकी फिल्में खराब करती हूं, तो फिर मैं अपने काम पर कैसे ध्यान दे पाऊंगी। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, कंगना हार चुकी है और दीपिका ने कंगना से अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया है। दरअसल कंगना और दीपिका की ये लड़ाई एक अवार्ड के लिए शुरू हुई थी। दीपिका पादुकोण को साल 2015 में बाजीराव मस्तानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। दीपिका ने अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए अपना ये अवार्ड कंगना को उनकी फिल्म क्वीन के लिए डेडिकेट किया। कंगना ने भी दीपिका पर वार करते हुए ये कह डाला कि अगर दीपिका को अवार्ड देना ही था तो ऐसे ड्रामे ना करे, उन्हें फोन करके दीपिका उनके काम की तारीफ करे। जिसके बाद से दीपिका और कंगना की कोल्ड वॉर शुरू हो गई। दुख की बात ये है कि फिल्म इंडस्ट्री की ये दो एक्ट्रेस 5 साल बाद भी अपनी दुश्मनी को भुला नहीं पाई है और अब एक दूसरे पर पर्सनली ही नहीं बल्कि प्रोफेशनली भी भड़ास निकाल रही है।